एक किलो ढोकला पे टेंट लगाएंगे, फुल आतंक मचाना गया आज। मछली को कितनी चिंता दे रही है ना। पिकनिक के लिए निकलते, फाइल अदरक की कद्दूकस लाइए, फिल्टर के पानी में धोऊंगी। छोटी बच्ची हो क्या? ये कचरा किसने फेंक दिया? आप भी आओ ना। ये उम्मीद थी मुझे तेरे से। ना खतरों का खिलाड़ी तो। छोरा हरियाणे का, छोरा हरियाणे का, भाई देख मेरा टोरा। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब लोग? तो अभी निकलते हैं सैलून के लिए, वहाँ पे फुल तेजी से काम चल रहा है। तो गर्मी का तापमान इतना ज्यादा है, मतलब बाहर का तुम कुछ भी खा लो मसाले वाला, उसी टाइम तुम्हारा पेट खराब होना ही होना है। तो रात को बहुत सारी दिक्कतें आ गई थी। गोलू के पेट में भी दर्द हो गया था, जो मेरा मैनेजर है धीरज जो नीचे रहता है उसके पेट में दर्द हो गया, फिर हम उसको रात को हॉस्पिटल लेके गए। तो गाइस आप लोगों को एक खुशखबरी देनी थी, 30 तारीख को जागरण है। कहाँ पर है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो अभी सारी लेबर गई है खाना खाने के लिए, बहुत ही तेज़ी से काम चल रहा है। और यहाँ पर अभी डिज़ाइनिंग चल रही है फर्श की, पहले हम उसका सैंपल देख लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कैसी ग्रेस आने वाली है। तो ये हमारे सैलून का नक्शा है, ये एंट्री है जो यहाँ से आएगी, आपको दिख रही होगी ये एंट्री है, और यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ आपको समझ आ जाएगा कि बीच में ग्लास है और दोनों साइड चेयर है, मतलब कि ज़बरदस्त बनने वाला। थोड़ा सा टाइम ज़रूर लग रहा है, अगर ये लगा लो एक महीने के अंदर अंदर कम्प्लीट हो जाएगा, और सभी लोगों को खाना है यहाँ पे क्योंकि ये आपका अपना सैलून है। तो घर से आ गए हैं खाली पेट, तो कुछ खाने चलते हैं नीचे, मैं और रजनीश भाई और कालू। तो आज फिर हम वहीं जाने वाले हैं जहाँ मैं कल चीकू को लेके गया था, मतलब आज पायल बोली कि आज वहीं पिकनिक बनाएंगे, चाय वाय खाना वाना वहीं बनाएंगे। तो अभी निकलते हैं, बस चीकू आने वाला, थोड़ी देर बाद वहीं चलते हैं। तो रजनीश भाई क्या क्या ऑर्डर करके आए बता दो थोड़ा सा। एक छोला भटूरा, एक दाल, दो चपाती और दो लस्सी, और एक किलो ढोकला पैक। क्या बात है भैया, क्या बात है। तो आज का जो वीडियो है ना पूरा देखना, मज़ा आने वाला है। अभी जाएंगे हम एक ज़बरदस्त टूर पे जो घर से मेरे 15 किलोमीटर दूर है, ज़्यादा दूर नहीं है। तो हमने पैक करवा लिया है पायल और गोलू के लिए ज़बरदस्त ढोकला। तो गाइस अभी निकल रहे हैं हम टेंट लेने, यानी कि तंबू लेने, क्योंकि नहर है वहाँ पर और आस पास तक कोई नहीं है, तो वहाँ पर करेंगे हम टेंटिंग, क्या बोलते हैं उसको, तंबूइंग जो भी होता है। तो गाइस एक सैल्यूट ना हमारी जितनी भी पुलिस कर्मचारी है, इतनी धूप है बाहर और हमारे लिए रोड क्लियर करवा रहे हैं यार, एक सैल्यूट इनको बनता है। तो गाइस अब रह गया बस सिलेंडर लेना, यानी गैस सिलेंडर छोटा सा लेंगे, वहीं पे बनाएंगे चाय मैगी एवरीथिंग जो जो वहाँ चाहिए होगा सबको। तो फाइनली हम सिलेंडर भी ले आए हैं, बस अब ऊपर चलते हैं और फटाफट निकलते हैं। तो पिछले 2 घंटे से ढोकला हमारे साथ ही घूम रहा है, अब जाके घर वाले खाएंगे और साथ में खाइए गुड्डू भी है ना गुड्डू। आज हम जा रहे हैं पिकनिक करने, पहली बार जा रहे हैं, और वहाँ पे हम लाइव किचन में खाना भी बनाएंगे, चाय बनाएंगे, टेंट लगाएंगे, और वहाँ चेयर बहुत सारा सामान लेके आए रमन जी जो हमने नहीं देखा है अभी, और वहाँ जाके फुल मस्ती करने वाले हैं। कपड़े यही पहन चले, मैं तो यही पहन के जा रही हूँ। शॉर्ट्स पहन ले लेना, गीले हो जाएंगे कपड़े। मैं तो यही पहन, नहीं एक ही जोड़ी कपड़े रख लिए हमने, एक शर्ट शर्ट चेंज कर। चीकू के लिए भी ले लियो, चीकू चीकू के लिए, चीकू ने तो चश्मा ही निकाला अपना आज, ले लिया। मैं चश्मा भूल गया था कल, आज चश्मा लेके जाऊंगा। चश्मे वाला काम थोड़ी था ना, पानी थोड़ी। और देखो अंदर, और देखो, और देखो मैंने चीकू को स्विमिंग वाला पहनाया है शॉर्ट्स, ठीक है। और एक स्विमिंग शॉर्ट्स ले भी लिया, अपने अपने कपड़े भी ले लिए, और मैंने चीकू के लिए और बच्चों के लिए मैगी भी रखी है। आधे किलो चावल पैक कर दो पन्नी में। ये क्या करे, चावल चूल बनाई या मैगी मूगी ले लो ना, चाय बना लेना बस। नहीं देखो जिसको मैगी खानी है वो मैगी खा लेगा, मैं पुलाव बनाऊंगी सबके लिए। ठीक, फुल आतंक मचाना गया आज वहाँ, आज फुल मचाना है। कल आप 2-3 लोग गए थे ना, आज तो पूरी मंडली जा रही है हमारी। पापा हाँ। है पापा स्कूल है, ट्यूशन नहीं खेलने आ रहा था। कल भी नहीं गया यार चीकू, यार तू पापा है, आज भी जाऊंगा पर छो जाऊंगा कल कल। तो स्कूल के लिए इसने किसको, किसने बोला था इसको कि हम वहाँ जा रहे हैं पिकनिक पे जा रहे हैं, हमने बता दिया था हम जा रहे हैं, इसलिए इसने हरकत तो की है। इसने हरकत कर दी। अरे पूरा किचन लेके जाएगी, इतना सामान क्यों ले जा रही है? इसमें चाय बनेगी, इसमें मैगी बनेगी, इसमें राइस बनेगा, तो ये तो चाहिए ना। तो गर्मी बहुत ज्यादा है इसलिए मैं जूस पी रहा हूँ, चाय वाय मैं पीऊंगा नहीं वहाँ पर, ठीक है चीकू। ये आप पहन लो रेड वाली, शांति को भी ले चल। शांति तुमने नदी देखी कभी? तो फिर तू भी चल, पिकनिक क्या करेगा अकेले घर पे? हाँ चल चल, तू भी चल, फिर वहीं से ना तेरी कैब करा देंगे, घर भेज देंगे तेरे को, ठीक है। जिमी को भी लेके जा रहे हैं वहीं पे, फुल नहलाएगा, सारे जा रहे हैं, तो जिमी को लेके जाना जरूरी है। ले चल, अकेला क्या करेगा? अब क्या मंगा लिया इसमें, अंदर इसके अंदर क्या है? इसमें खाना है जो बनाया था दोपहर में, वो भी लेके जा रही है, वो भी ले लेते हैं ना, रात को आएंगे तो खा के क्या आएंगे, ये प्लेट तो कम पड़ जाएंगे। और ये आप ढोकला लेके आए हो, वो भी है। ठीक है,
इसका खाना मैं रख लो। जिम्मी का? हाँ। ये ले जाना जरूरी है? हाँ, खाएगा तो। अच्छा, तो इसका कटोरी भी लिया। जिम्मी देख रहा है चीकू कितनी चिंता दे रही है ना। फिर हमारा चिपकन सबको मैं पड़ोसी को ले चलूं। तो गाइस पिकनिक के लिए निकलते, ज्यादा टाइम नहीं खराब करते। चलो भैया अपना सामान सामान उठाओ। चलो भाई, चलो चलो। नितिन चाचू का सामान भी उठाना था यार मुझे तो। वहाँ पर ना ये चप्पल पहनेगा, बिना चप्पलों के पानी में जाने नहीं दूंगा, ठीक है? नितिन के कपड़े लेने पड़ेंगे, नितिन तो नीचे से नीचे आ रहा है। चलो। मैं थोड़ी कपड़े ले लेती हूं उसके। चीकू सच बता। मेरी कसम झूठी खाई। चीकू कसम ऐसे खा लेता तू? अगर कसम थोड़ी खाई है, खुद की खाई है। नहीं, खुद की नहीं खाई। बता दे कैसे खाई? किसकी कसम खाई? अपनी कसम भी नहीं खाते। आ जा यार, चीकू सबसे लेट करता है तू, पता है? पापा मैं थोड़ी करता हूं। मम्मी कर दी है। कहाँ रह गई सबसे लेट है तू? शांति के लिए कपड़े लेने के लिए गई थी। नाना के लिए? और क्या, शांति के कपड़े नहीं थे वो लेकर आई, फिर भाग भाग के। तो फाइनली गाइस पहुंच गए हैं सब लोग। एक गाड़ी आगे है, एक में हम बैठे हैं, एक पीछे है। और चीकू कुछ कहना चाहोगे? पापा आज तो फुल भरा हुआ है इसका, वो तो आज तो मैं ज्यादा रहूंगा। चीकू जी, जिम्मी को मत छोड़ी, मैंने यहाँ पे बाज देखा है। कैसे लग रही है ऑफ रोडिंग? पानी इसे बोलते हैं ऑफ रोडिंग, मुझे पता नहीं था। मैं फर्स्ट टाइम बैठी हूँ और हम लोग जा रहे हैं, मतलब पानी में गाड़ी चल रही है फुल, पता नहीं चल रहा है, एक झटका नहीं आ रहा, मजा आ रहा है फुल। मतलब आप समझ आए इस गाड़ी का जो फील है यहाँ पे होता है ज्यादा। जो हमारी दो गाड़ी है ना वो वहाँ पे खड़ी है दोनों, और वो चुपचाप खड़ी है शांत हमारे सामने है, पंगे नहीं ले रहे वो लोग हमसे। पायल वहाँ क्यों नहीं आई जब बुलाया था? मैं क्यों आऊँ, तुम आओ मेरे पास, हम तो आ गए। चलो शुरू करें। शुरू करें अंताक्षरी, शुरू करते अपना टेंट वेंट लगाते हैं पूरा अच्छे से। चलो भाई, चलो चलो पार्टी, टीम पार्टी। अभी थोड़ा सा टेंट वेंट लगाने की प्रक्रिया होगी फुल। मैं कुछ बोलना चाहती हूँ तो हम जितने लोग आए मैं दिखाती हूँ, आ जाओ सारे, तो हम सब आए हैं। शांति, ये पूरी मेरी फैमिली है। आप कितने सारे लोग हैं? हाथ ऊपर करो, कौन कौन आए? ये पूरी हमारी फैमिली है। तो अभी मचाने वाले हैं फुल धूम। सुनो, ज्यादा हुआ तो रात को ही रुक जाएंगे। हाँ, मैं कुकर। और सुन, मैंने क्या सोचा है, ऊपर जो लोग हैं ना वो भी रह रहे हैं, उन्हें बुला लेंगे खाने के लिए। वाह, कितनी अच्छी चीज लेके आयो। एक काम करे, ये सामान इसी गाड़ी में परमानेंट रख देंगे। ये पकड़, मैं सेट करती हूँ। पायल मुझे तुझे एक बात बतानी है। मैंने वहाँ पे बहुत बड़ा चील देखा, बाज बाज बाज, बहुत बड़ा बाज। तो हम इसको अपने पास रखेंगे? कहाँ है जिम्मी? आ जा फट। तो भाई सबसे पहले हमने गाड़ियों को एक साथ लगा दिया ताकि हमारे टेंट जो है वो उड़े ना हवा से। अभी हम ये लगाएंगे हम टेंट। तो सबसे अच्छी जो बात है ना, मेरे घर से यहाँ का रास्ता है 20 मिनट का। वहाँ तो देख लो कितनी मस्ती हो रही है। वहाँ देखो चीकू, डर लग रहा है मुझे। नहीं निकल रही यार, पुराने जमाने में करते थे ना भैया। आग कैसे निकलती है? नहीं निकली, कोई बात नहीं, मेरे को लगा कीले पत्थर है। एक ही बना ले अभी। हाँ, इसका डंडा बना लो एक। अभी एक ही बना दे, दूसरा रहने दे। हाँ, एक ही बना लो। भाई मतलब लगती है आपको तो ना सारी चीजें खराब लगती है। तो आपको अभी यहाँ के सिनेमेटिक शॉट दिखाते हैं कितनी अच्छी जगह है ये। लग गया? हाँ। अब ये डंडे इसमें लगाओ। चलो डंडे ला लो। लगाओ भाई, लगाओ फटाफट। ये क्या है अभी? मैट अंदर बिछाने के लिए। तो गीला हो गया, साफ कर दीजिए कपड़े से। भाभी क्या मिला? बनियान। बनियान किसकी है? वो साफ करेंगे अंदर, पता नहीं किसकी है। इसकी जो नजर है ना भैया, बचपन से ऐसी है कि कभी भी किसी जगह पे जाती है दूर दूर की चीजें बताती है वहाँ क्या पड़ा है। जब देखो बनियान लाई है, मैं साफ करूंगी। घर हो गया साफ पूरा हमारा। ये पर किस लिए? घर के बाहर बैठने के लिए? ये डंडा है कुत्ते बिल्ली बजाने के लिए। अंडर वाटर स्विमिंग। पायल पायल देख तो नहीं रही है, हवा से जली नहीं। हाँ, जल गया। उठाओ बाबू जिम्मी को। जिम्मी को अंदर बिठा रही हूँ भैया, क्योंकि यहाँ पे पत्थर है। पायल हटियो, पायल जिम्मी को रखियो बाबू अंदर। गीला तो नहीं हो गया? नहीं नहीं, गीला नहीं है, इसको सेफ रहेगा यहाँ पे। चल जिम्मी, गुड्डू चाय बना रहे आपके लिए। पायल अदरक की कद्दूकस लाइए। नहीं अदरक, कोई बात नहीं, मैं हाथ से कद्दूकस कर दूंगी। दे दे रही हूँ, अभी चावल बनाऊंगी ना सबके लिए, दही डाल दे गोलू उनके लिए, रोटी खा लो। एक एक रोटी मिलेगी।
ठीक है अभी चावल बनेंगे, सबको चावल मिलेंगे। तो गाइस बहुत ही मजा आ रहा है, पूरी पैकेज फैमिली के साथ हम यहाँ एंजॉय कर रहे हैं। कौन कौन है हमारे? रजनीश भैया नहीं है, दीप भाभी नहीं है और नक्कू नहीं है। तो हमारे जो एक और फैमिली है वो है नहीं, आज बाहर गई हुई है। पर कोई नहीं, मेरे घर से 20-25 किलोमीटर दूर है, अगली बार ना इससे आगे झरना है वहाँ लेके चलूंगा सबको। ये एक्चुअली गैस ना सारी ऐसे हवा में हो रही है तो थोड़ी ओट दे रहे हैं हम, चाय उबल जाए ताकि अब उबल रही है। जिम्मी का अंदर खाना खा रहा है अंदर, बाहर मेरे को चॉपर दे, मैं चॉप करती हूँ। गोलू कूड़े ऐसे नहीं खाना, पन्नी लेके जा, खा दे ये, खा दे ना, मेरा दिमाग बहुत है, खाद में कर रही हूँ मैं। इसमें आलू उगेंगे पायल, आलू के छिलके डालते ना, आलू उगते हैं पायल। तेरा मेरा बस चले ना, हम तो यहाँ पे पूरी रेसिपी कर दे ना, हम यहाँ पे रह भी सकते हैं एक दो महीना। भैया देखो वो आलू के छिलके दबा रही है, आलू का पेड़ उगाएगी देखो। छिलके से कभी आलू का पेड़ नहीं उगता। खाद में रखली पर ले आऊंगी। फिल्टर के पानी में धोऊंगी, ये तो पानी में भैया, पानी में सब नहाते हैं। दे ओहो गिर गया मेरा आलू, गिर गया, बस बस हो गया। शांति तो ये आलू प्याज काट दे, मैं तड़का लगा देती हूँ फटाफट, फिर हम लोग सर वहाँ चलेंगे। गुड्डू आ गया भैया, गुड्डू अब जाएगी वहाँ पे, वहाँ डूंगा पानी है, डूबते नहीं जाएगी। भैया ये जो हमारी भतीजी है ना, ये थोड़ी सी नादान लड़की है, अकेली आ गई पानी में। चाय बन गई है भाई सबकी, शांति चाय डाल दियो। पुलाव बना रही, नमक मिर्ची लाए नहीं। चुनो छोटे छोटे पैकेट लेके आना, लाल मिर्ची हल्दी नमक। तो अभी मैं जाने वाला हूँ, यहाँ पे झरना है जहाँ से ये पानी आ रहा है, तो देखते हैं हमारे साथ कौन जाता है। शांति तूने कभी सोचा था कि तू घर पे कुकिंग करेगी और फिर यहाँ पे करेगी? ऐसे नहीं, हम ऐसे हम कभी भी कहीं पे भी कुकिंग कर सकते हैं। तो गाइस अभी लेके जाने वाला हूँ, वहाँ पे थोड़ा गहरा है, वहाँ पे नहाएंगे, आ जाइए। क्या बस 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 यही उम्मीद थी मुझे तेरे से। यार क्या कर रही है गोलू, बच्ची है क्या? छोटी बच्ची हो क्या? ले मेरा हाथ पकड़, मैं तो खतरों की खिलाड़ी हूं। आजा खतरा खिलाड़ी, हाथ पकड़ हाथ दो, आजा 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 भैया। पापा मैं खतरों का खिलाड़ी तो चलो मेरे लाल, चलो मैं पापा तो पकड़ के मेरे को मत डालना, गया था बच्ची को मेरे साथ अंदर। तो बोलो बिल्कुल नहीं डरती पानी पूनी से, नीचे पत्थर में चली भारी, इतना वजन चीको स्विमिंग करवा दे मेरे को, आओ बैठो तो। ओ भैया फुल मस्ती हो रही है, गिर गई। इधर आजा पानी लेकर आजा, इधर अच्छा पानी है, साफ पानी इधर ना। ये मेरी चप्पल है और ये इतनी ईमानदार है, मैं उधर फेंकूंगा नहीं, इधर ही आ जाइए। देखो दही डाल दो भैया, दही डाल दो अभी, दही डाल दो, लो दही। तेरी मेरी प्लेट है, बहुत मजा आ रहा है। नितिन भैया कह रहे हैं हाँ? यहाँ पे परमिशन लेके ना यही बर्थडे बना लेते जीतू का। अच्छा एक काम और करना, जितना कुछ खाया पिया ना यहाँ से सारा थैली में डाल लेना, रास्ते में अपने घर के पास। बोलने से पहले ना मैंने एक पन्नी बना रखी है, उसमें सारी बोतले वोटले खाली प्याज के छिलके सब उसी में डाल रही हूँ मैं। एक चीज बताऊँ, फाइनल चावल बनाए थे देखो सारे खत्म। अरे क्या यार मजा आ रहा है, गुड्डू हर संडे या सैटरडे यहाँ आया करेंगे। नहीं नहीं साइड में पत्ती पन्नी में डाल ले, कुकर धुल गया देखो साफ हो गया बिल्कुल। क्या कर रहे हो अभी? भैया चाय पत्ती छान के डस्टबिन में फेंकूंगी। चीकू कहाँ है तू? अंदर। तो हम स्वच्छता का पूरा ध्यान रख रहे हैं, हमारा कूड़ा सारा हम साथ लेके। भैया ब्रिस्लेरी की बोतल ले आओ, ब्रिस्लेरी बोला है, मारो से देख। ओ मेरी चम्मच चली गई, अभी इसको अभी साफ पानी से भी धोऊंगी, ऐसे थोड़ी इसी से धोके अब चाय बना दूंगी। जिम्मी का है, जिम्मी को खाना खिलाओ, गुड्डू के पास है, गुड्डू जिम्मी को खाना खिला दे। अच्छा दोबारा धो रहे हो साफ पानी से? हां भैया। तो गाइस सारा सामान पैक हो रहा है और निकलते हैं घर की तरफ, और फुल चाय वाय पराठे वराठे तो हमने खाए नहीं, चाय भी है साथ में, चावल खाए हैं और फुल मजा किया आज सबने। गुड्डू सारी पैकिंग हो गई, अब हम नहा के निकलेंगे। हां अब मैंने बोला ना नहीं नहाना था। क्यों नहीं नहाना?
आप तो कब से नहा रहे थे? ऐसे थोड़ी होता चीकू, नालो भाई जिसने नहाना है फिर उसके बाद निकलेंगे। नालो सारे नालो नालो नहीं, चलो। ये तो ठीक है। तो अभी नहाएंगे सब लोग, मैं भी नहाऊंगा, उसके बाद कपड़े वपड़े चेंज करके निकलते हैं घर की तरफ। ये कचरा किसने फेंक दिया, हटाओ यहाँ से यार। हाँ भाई क्या कहना चाहती है? घर नहीं जा रही मैं, नहीं रहेगी। बोला एक बात बोलूं? हाँ। और जा ठंडा पानी हो गया शाम को तो। हाँ मजा आ रहा है फुल। तो पायल को भी बुला लेते हैं। शांति नाना या आ जा, क्या ढूंढ रही है? चीकू को बिल्कुल नहीं पायल, देख मजाक की बात नहीं है, अब नाली है बहुत। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं लाएगा गोलू, नाली बस। हाँ नाली, चलो अब पायल। हाँ नाले नाले जा, आ जा भाई तू भी आ जा, फोन दे देना, आराम से आ जा, आराम से। गीला है कपड़े लाए इसके? एक और है। हाँ आप भी आओ ना, बैठो ना, ना हमारे साथ। तो मेरे जो कपड़े थे ना वो सूख गए हैं, गोलू और पायल गए वहाँ पर, वो यहाँ से थोड़ी दूर है, तो अब जाते जाते नहा लेते हैं एक बार या फिर निकलते हैं घर की तरफ। अरे चलो धीरज भैया शर्माओ मत। तो अभी थोड़ी देर में अंधेरा होने वाला है यहाँ पे, और बस 10 से 15 मिनट के अंदर पूरी टीम को हम घर लेके जाएंगे, क्योंकि यहाँ आसपास ना बंदा है ना बंदे की जात है, हम लोग हैं, हमारी पूरी टीम है और कोई नहीं है यहाँ पे। तो बस पैकिंग वैकिंग पूरी हो गई है सबकी, सबने चेंज वेंज कर लिया, तो निकलते हैं घर के लिए। और आज का जो दिन था वो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार था, सबने एंजॉय किया या नहीं किया? मतलब मैं ये चाहती हूँ हर हफ्ते हम आए, हर हफ्ते मत आ गया। अच्छा सबसे बड़ी बात क्या ना, मेरे घर से सिर्फ ये लगा लो कि 10 से 15 किलोमीटर दूर है, ज्यादा दूर भी नहीं है ना। तो बाय बाय गाइस, आज का व्लॉग यहीं एंड करते हैं, आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।